बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के एनएसए से मुलाकात की है। आज सुबह एनएसए अजीत डोभाल से मिले थे रूस के एनएसए और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई है। ये अहम मुलाकात है जनरल निकोलाय पत्रुशेव की, जो पहले आज दिन में उनकी एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात हुई थी और उसके बाद उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। खासतौर पर अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है, अफगानिस्तान के जो हालात हैं, उस नज़रिए से इस बैठक की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये पहली बड़ी एक विस्तार से हुई चर्चा है, बायलेटरल बातचीत है भारत और रूस के बीच में अफगानिस्तान में जो बदले हुए हालात हैं उसके बाद। हमारे साथ मनीष और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, इस बैठक की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अफगानिस्तान में जिस तरह से घटनाक्रम लगातार बदला है और बदल रहा है, उसके बाद इस तरह की ये बड़े स्तर की एक हाई लेवल मीटिंग हुई है एनएसए अजीत डोभाल की और फिर प्रधानमंत्री की रूस के एनएसए के साथ। जी हाँ बिल्कुल, देखिए इस बैठक के मायने कई सारे हैं। पहली बात तो है कि अफगानिस्तान को लेकर तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि अफगानिस्तान के विषय पर चर्चा करने के लिए रूस के एनएसए पिछले दो दिन के भारत दौरे पर आए थे और आज एनएसए अजीत डोभाल के साथ उनकी बहुत लंबी चौड़ी मुलाकात हुई, बातचीत हुई और उसमें रोड मैप तैयार किया गया था कि भारत और रूस कैसे मिलकर काम करेगा। उसके बाद फिर रूस के एनएसए की विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात हुई थी और अभी एक कॉलन के तहत प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात हुई थी। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो इस मुलाकात को आप भारत रूस के संबंधों को वापस पटरी पर लाने की भी कोशिश के तौर पर देख सकते हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब रूस के विदेश मंत्री आए थे तब उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात नहीं हुई थी, रूस इस बात को लेकर थोड़ा नाराज भी दिखा था, तो उसके अगले दिन प्रधानमंत्री की अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री से मुलाकात हुई थी। तो इन सब मद्देनजर जब रूस के एनएसए से आज प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होती है और अफगानिस्तान पर चुकी रूस और चीन तालिबान के साथ जिस तरह से तालमेल बिठाकर आगे बढ़ रहा है। जी, तो आगे जी मनीष, जाहिर सी बात है इस बैठक की और इस मुलाकात की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अब बहुत बदले हुए हालात हैं, खासतौर पर अफगानिस्तान के जो हालात बदले हैं उसकी वजह से, और ऐसे में भारत और रूस का करीब आना अहमियत रखता है, भारत के लिए भी बहुत ज्यादा। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।